वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। मल्टीप्लाई करवाना है मैंने। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे 3x प्लस 4y है, तो इसने मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो 2x ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी, और 2x ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी। 2x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, और जब हम x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और पावर क्या आएगी, जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वेरिएबल को, सेम अगर वेरिएबल हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये भी x है, ये भी x है, तो x वन टाइम राइट करके पावर ऐड कर देनी है। पावर ऐड कैसे करनी है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है तो 1 है, 1 और 1 पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्लस 2x को हमने 4y से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और x और y 7 आ जाएगा, बिकॉज x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं हो सकता, इधर x है और इधर y है जस्ट, ठीक है, 1 ही x है 1 ही y है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर x y, ओके। 2x को 3x से करवाया मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x को 4y से मल्टीप्लाई करवाया तो 8xy आ गया। पावर इसलिए ऐड नहीं हुई बिकॉज ये x था ये y था, वेरिएबल सेम नहीं था, इधर जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वेरिएबल सेम था इसलिए पावर ऐड हो गई। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये आ गया, ये इससे ये आ गया, ओके। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। होप सोचे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।